हेलो एवरीवन, वेलकम है एपेक्सी क्लास में। बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन है कि यार बॉयज़ से डालें या गर्ल्स से फॉर्म फिल करते हैं। चलो इसको बोर्ड पे समझते हैं कि किस चीज़ से आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। ठीक है, देखिए सपोज़ करिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कितनी कितनी वैकेंसी हैं बॉयज़ में और गर्ल्स में। TGT का ले लेते हैं, जनरल का, सिर्फ TGT का जनरल का ले रहे हैं अभी, और किसी चीज़ का नहीं ले रहे हैं। ठीक है, बॉयज़ में है 275 और गर्ल्स में है 36। ये सिर्फ जनरल का है, मैंने एक बात समझाने के लिए आपको बताया, TGT का है ना। अब इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं। इसमें क्या है? बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं। इसमें क्या है? सिर्फ गर्ल्स है। इसमें पोस्ट ज़्यादा हैं तो इसमें फॉर्म भी ज़्यादा हैं। दोनों बातें हैं कि यहाँ पोस्ट भी ज़्यादा हैं और यहाँ फॉर्म भी ज़्यादा है। यहाँ पर पोस्ट भी कम है और फॉर्म भी कम है, है ना, दोनों चीज़ें हैं। अब आपको यहाँ पर फाइट ज़्यादा करनी है क्योंकि यहाँ पर दोनों बातें हैं। इसके लिए एक आप नॉर्मल सा बात समझिए, सपोज़ करिए आपने 98 क्वेश्चन सही किए। ठीक, सिलेक्शन किस प्रोसेस में हो रहा है? ऊपर से सिलेक्शन ले रहे हैं, 36 ख़त्म, आपका रोल यहाँ से ख़त्म। 275 में क्या है भैया? 275 में लेते लेते हो सकता है कहीं आप 98 पे टकरा जाओ। ये तो हो गया पॉजिटिव इससे फॉर्म डालने के लिए। अब लेकिन गर्ल्स से फॉर्म डालना है जिसको, तो गर्ल्स की मेरिट पहली बात तो एक्सपेक्ट की जाती है कि कभी कभी कम जाती है, कह नहीं सकते। और एक चीज़ और, ये जो डिसीज़न है ना, ये आपका सेल्फ होना चाहिए। बातें आपको मैंने दोनों समझा दी कि यहाँ पर फॉर्म ज़्यादा पड़ते हैं, पोस्ट ज़्यादा है, ये सोच के भाई बॉयज़ के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो पूरा इसी में जाएगा ना। गर्ल्स के पास ऑप्शन है तो गर्ल्स इसमें भी जाएंगी। ठीक, तो 70% गर्ल्स तो यही सोच कर यहाँ चली जाएंगी कि यहाँ पोस्ट ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे तो 100% लोग हैं और 70% और हो गई, तो कितनी हो गई? 170%। ठीक है, और यहाँ पर अब बची सिर्फ 30% लोग। ठीक, लेकिन मेरी तरह सोच सबकी हो सकती है। अब ये 70% लोगों का क्या हो सकता है कि ये भैया गर्ल्स में भी आ सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि गर्ल्स में हम फाइट अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि कुछ को ये सोचना होता है कि जब फ्यूचर में जॉब लग जाएगी तो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाना इजी होता है गर्ल्स के लिए कंपेयर टू बॉयज़, कुछ सोच ये होती। तो ये अब आप लोग क्वेश्चन करना बंद कर दीजिए कि बॉयज़ से फिल करें या गर्ल्स से फिल करें, ये आपका अपना डिसीज़न। जब जॉब लगनी होगी, आपके मार्क्स अच्छे आने होंगे, तो आपकी गर्ल्स में भी लग जाएगी, आपकी बॉयज़ में भी लग जाएगी। ठीक है, नंबर आप पोस्ट देखने के बाद आप क्या कर रहे हो? सब लोग यहीं भाग रहे हो। तो यहाँ आपने कॉम्पिटिशन क्या किया? यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपके फॉर्म पढ़ते जा रहे, यहाँ कंपटीशन टफ हो गया भाई, यहाँ बहुत कंपटीशन टफ हो गया, और यहाँ का कंपटीशन ऑलरेडी टफ था। तो दोनों चीज़ें टफ हैं, दोनों पे एग्ज़ाम क्रैक करना आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है, चाहे आप बॉयज़ से डालो चाहे गर्ल्स से डालो। आप जितने मार्क्स लेके आओगे अकॉर्डिंग टू दैट ही आपको मार्क्स मिल, आपका सिलेक्शन होगा। बॉयज़ से भरना भी प्रॉफिटेबल है, गर्ल्स से भी भरना भी प्रॉफिटेबल है। आप चाहे इससे फिल करो और चाहे उससे फिल करो। ठीक है, थैंक यू।